नमस्कार आदाब, न्यूज़लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में आए करीब 87,000 नए मामले, 1,130 मरीजों की हुई मौत। बेरोजगारी की मार, 50 लाख औद्योगिक कामगारों और 62 लाख प्रोफेशनल कर्मचारियों की नौकरियां खत्म। महामारी के दौरान झुग्गियां हटाने का आदेश क्यों दे रही है सुप्रीम कोर्ट? क्या है नामों को बदलने के पीछे की राजनीति? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 21 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,961 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के एक दिन में 1,130 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही आज तीसरे दिन भी स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से अधिक है, यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 93,356 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या 54,87,580 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश का रिकवरी रेट बढ़कर 80.11% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 43,96,399 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन कोरोना से अब तक 87,882 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10,10,824 से घटकर 10,03,299 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 6,43,92,594 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 7,31,534 सैंपल की जांच बीते 24 घंटे में हुई है। देश में पिछले एक साल के दौरान 62 लाख व्हाइट कॉलर कर्मचारियों और 50 लाख औद्योगिक कामगारों से उनकी नौकरियां ले ली गई है। व्हाइट कॉलर पेशेवर कर्मचारियों में सरकारी और निजी संगठनों में काम करने वाले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिजिशियन, टीचर, अकाउंटेंट और एनालिस्ट शामिल है। इनमें स्वरोजगार करने वाले डॉक्टर और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल नहीं है। जिन कामगारों को काम से निकाला गया है उनमें बड़े छोटे सभी तरह के उद्योग में काम करने वाले लोग शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम दिहाड़ी मजदूरों का छिना है। चाहे शहर में दिहाड़ी करने वाले हों या गांव में, सब जगह एक रफ्तार से लोग बेरोजगार हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMII के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अगस्त तक ऐसे 1.1 करोड़ रोजगार छिन चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का यह भयावह तस्वीर CMII की ओर से जारी नए आंकड़ों में सामने आ रहा है। CMII का यह आंकड़ा उनके 4 महीनों में किए जाने वाले वेव्स या घर घर में जाकर किए जाने वाले सर्वे पर आधारित है। इसमें इस साल मई से लेकर अगस्त तक का समय कवर किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा के आदेश के मुताबिक दिल्ली की 48,000 झुग्गियों में रहने वाले करीब 2 लाख लोग बेघर किए जा रहे हैं। यह आदेश रेल पटरियों के इर्द गिर्द जमा हो रहे कूड़े और प्लास्टिक के ढेर के खिलाफ एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए लिया गया। न्यूज़ क्लिक ने दिल्ली की 3 झुग्गी बस्तियों का दौरा किया और वहां के वासियों की चिंताएं और गुस्से को सुना। यहां के लोग महामारी के दौरान बेघर होने की आशंका और डर में हैं और इस पर मोदी सरकार के रवैये पर भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिटीशन पर सुनवाई की है, जिसमें कहा गया था कि सारी दिल्ली शहर के रेलवे ट्रैक्स यानी रेल की पटरियों के आसपास जमा हो रहे कूड़े और प्लास्टिक के ढेरों पर कार्रवाई की जाए। तो जस्टिस अरुण मिश्रा की लीडरशिप वाली बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और रेलवे और दिल्ली सरकार से कह दिया कि 3 महीने के अंदर रेलवे ट्रैक्स के आसपास की सारी झुग्गियों को यानी सारे स्लम्स को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से करीब 2 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। यह आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट का है, असली नंबर्स इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोग समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान आए इस फैसले से यहाँ रहने वाले लोग अपने आने वाले कल के लिए बेहद परेशान और बेचैन हैं। हम ये सोचते हैं कि हम लोग जब बहुत दिन से हम लोग झुग्गी में रहते हैं, तो जब झुग्गी में रहते हैं तो कुछ ही हम लोग के तौर नोटबंदी में हमने के बच्चे लोग हम लोग सब कोई बिखर गया। खाने पैसा अच्छा ही तो पैसा भजते ही नहीं था कि हम लोग खाना खाएं, फिर भी इतना दिक्कत हम लोग काट कूट के हम लोग फिर भी अपना कुछ उपाय किया। ओकरा बाद में हम लोग के बीमारी कोरोना के चलते
हम लोग घर से निकले नहीं, कहीं कहीं से खाना आया, बच्चों को भी खाया, हम लोग खाया, कैसे वो अपना दिन बिता लिया, गुजार लिया। ओकरा बाद में जब हमने का पूरा संकट काट लिया तो सरकार ने अब हम लोग के जुगी उजाड़ने के बोल दिया। तब हम लोग जब जुगी उजाड़ देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ जुगी वहीं मकान, ये क्या है? जहाँ जुगी वहाँ मकान, 70 साल जुगी का हो गया, क्या है ये? घर घर बसा हुआ है, मोदी साहब कर क्या रहे हैं? हाल क्या है सर, अभी तो दिल्ली सरकार गेहूँ दे रहा है किसी तरह का, अपना आलू भी महंगा हो गया 40 रुपए किलो, प्याज भी महंगा है 40 रुपए किलो, क्या करे? इस हिसाब से लग रहा है कि पटरी पे जाके जान दे दूं मैं यहीं पे। पहली बात, हम मानते हैं ये ऑर्डर अपने आप में इल्लीगल है, और दूसरी बात, हम इस बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं कि केंद्र की चुनी हुई सरकार आज झुग्गी वालों को कह रहा है कि ये पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे ही आवाज़ उठी अलग अलग झुग्गियों से, वजीरपुर से आवाज़ उठी, मानसरोवर पार्क, कीर्ति नगर, अलग अलग जगहों से आवाज़ उठी, तब जाके जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ, वहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि हम 4 हफ्ते तक झुग्गियाँ डिमोलिश नहीं करेंगे। अब ये बहुत ही रिडिक्यूलस है, 4 हफ्ते तक डिमोलिश नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? अब 4 हफ्ते के बाद क्या करेंगे, सवाल ये है। पिछले 6 सालों से मोदी सरकार इस देश में चल रहा है, दिल्ली में है सरकार आम आदमी पार्टी का, 6 सालों से दोनों सरकार चल रहा है। पिछले 6 सालों से जो स्लम ड्वेलर्स का राइट है कि उनको झुग्गी के इर्द गिर्द मकान मिलना चाहिए, पक्का मकान, ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए, वो अधिकार सुनिश्चित नहीं है। और बार बार हम लोग देखते हैं कि हर साल 2 साल में झुग्गी के सामने बुलडोज़र आ जाता है, और जो स्लम ड्वेलर्स है वो परपेचुअली हमेशा के लिए इस डर में जीते हैं कि हमारा झुग्गी कभी भी टूट सकता है। हम दिल्ली की 3 झुग्गी बस्तियों में गए और वहां के लोगों से बात की, जो इन बस्तियों में 2 दशकों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। इन इलाकों के लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है। पहले तो हमारा गेट बंद किया गया, रास्ता बंद किया गया, अब हमारी छत भी छीनी जा रही, तो हम कहां जाए? हमें दिया जाए पहले जो हमें मकान कुछ दिया जाए, उसके बाद हमारी झुग्गी तोड़ी जाए, उससे पहले हमारी कोई झुग्गी ना तोड़ी जाए। लॉकडाउन से पहले इतनी मुसीबत है यहाँ पे, वैसे पहले हमारे सर पे आ रखे कोरोना की वजह से, अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? मजदूरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है हमारे पास। ट्रेन आ रही है, प्रधानमंत्री केजरीवाल बैठक इनसे, इन झुग्गियों से बैठा है, वो ऐसे कैसे तोड़ के ले जाएगा? ठीक है ना, ये रेलवे ने इतना पैसा दिया, ये कागज को क्यों नहीं समझता? यहाँ के ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें रेलवे ट्रैक्स के पास रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और उनके घर बहुत छोटे। उनका तो ये भी कहना है कि अगर सरकार उन्हें किसी भी जगह फ्लैट या पक्के मकान दे दे तो वो झुग्गियों से जाने को तैयार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये हमारे रेलवे लाइन से छठी झुग्गी है हमारी। देखिए सर, झुग्गियों लेने झुग्गियों में तो कोई रहना चाहता नहीं है रेलवे लाइन के पास, क्योंकि इसे हमें ही खतरा है। यहाँ पे कितने हादसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, वैसे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग देखो पानी भर भर के रेल क्रॉस करके पानी भर के ला रहे हैं, उस समय डेंजर है। कितने लोग यहाँ पे एक्सीडेंट दुर्घटना से मर गए हैं यहाँ पे पानी भरते समय। कोई नशे में भी चले जाता है इंसान, वो भी कट के मर चुके हैं यहाँ पे लोग, और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं यहाँ पे आके। जरूरी नहीं कि इस कैंप के, कहीं दूर जगह से आए, किसी और कॉलोनी से आए, वो यहाँ पे आके सुसाइड करके, तो इससे हमें भी बहुत दिक्कत है। हम भी नहीं चाहते कि हम ही रेलवे लाइन के पास हम झुग्गी झोपड़ी में रहें, हम भी चाहते हैं कि हमारा अपना मकान हो, गवर्नमेंट हमें दे, और गवर्नमेंट के पास है भी सारी, जैसे राजीव गांधी आवास योजना है, फ्लैट बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अभी केजरीवाल सरकार ने 45,000 फ्लैट बनाए है, तो सबके पास, सारी गवर्नमेंट के पास, मगर देना कोई नहीं चाहता। आज आइए हमारा देखिए कि हम स्थिति में, कौन स्थिति में रहते हैं यहाँ पर। हमारा कहीं भी रहने के साधन दीजिए, हमने बच्चों के पढ़ाने के भी साधन दीजिए, हमारे रोजी रोजगार के लिए साधन दीजिए, हम यहाँ से जाएं। हम ये नहीं माना करें कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम जाएंगे, बट हमारा साधन चाहिए,
साधन जाएंगे, हम अपने आप चले जाएंगे। जाहिर बात है कि लोगों में इस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुस्सा है, साथ ही ये लोग मोदी सरकार से भी निराश और नाराज हैं, जो महामारी के दौरान उनकी जिंदगी और उनका घर बचाने में नाकाम साबित हुई है। आगरा का मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई जगहों के नाम बदल चुके हैं। इतिहास के पन्ने के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय से समझते हैं नामों को बदलने की ये राजनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में अनाउंस किया कि आगरा में अंडर कंस्ट्रक्शन मुगल म्यूजियम को अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कहा जाएगा। उन्होंने फैसला को अनाउंस करते हुए ये बहुत ही नाटकीय तरीके से पूछा कि भले ही मुगलों को हम हीरो कैसे मान सकते हैं, शिवाजी का नाम लेते ही हमारे अंदर से राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना जाग जाती है, एक लहर सी दौड़ जाती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी आगे कहा कि कोई भी चीज अगर हमारे अंदर सबसर्वियंट मेंटालिटी उत्पन्न करती है तो हम उस इंस्टीट्यूशन को ही हटा देंगे। म्यूजियम बनाने का फैसला दरअसल 2016 में किया गया था। वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को एक जमाने में संघ परिवार का काडर मुल्ला मुलायम के नाम से कहता था। उनके पुत्र अखिलेश यादव ने, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 2012 से लेके 2017 तक, उन्होंने ये म्यूजियम को बनाने का फैसला लिया था। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के बाद म्यूजियम पर काम लगभग पूरा बंद है, लेकिन उसके पहले बहुत हद तक काफी काम हो चुका था। लगभग 70% का काम पूरा हो चुका था और ₹90 करोड़ सैंक्शन होके खर्च भी हो चुके थे, परंतु अब इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि छत्रपति के कनेक्शन आगरा से निकालने पड़ेंगे। शिवाजी का आगरा से धुंध से ढका हुआ एक कनेक्शन तो है, परंतु एमिनेंट हिस्टोरियंस भी अनश्योर हैं क्या असली है या फिर मिथिकल या फिर लोक कथाओं पर आधारित। आगरा के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर बीडी शुक्ला ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है, आफ्टर शिवाजी लॉस्ट ऑल हिज फोर्ट्स ही वाज कॉल्ड देयर बाय औरंगजेब। शिवाजी गॉट एंग्री व्हेन ही वाज नॉट ट्रीटेड वेल। ही वाज लेटर हेल्ड कैप्टिव इन द राम सिंह की कोठी। However, so far, neither the Archaeological Survey of India nor any historian is 100% sure where this kothi is. कहानियां बहुत हैं। शिवाजी फलों की टोकरियों में यमुना पार करके भाग गए थे, लेकिन क्या यह सच्चाई है या मात्र कॉमिक बुक्स के लिए स्क्रिप्ट लोक कथाओं के आधार पर बेस्ड है? ऐसे वास्तविक भारतीय इतिहास को लेकर इस सरकार को, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, काफी समस्याएं हैं। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद जो हिस्ट्री के रिसर्च के लिए नोडल एजेंसी है इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, उसका पुनर्गठन हुआ था। नए डायरेक्टर ने अनाउंस किया था इतिहास पर शोध अब मात्र साइंटिफिक रिसोर्सेस के आधार पर नहीं होंगे, परंतु माइथोलॉजिकल और फोक बिलीफ पर भी आधारित होंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के लिए हिस्ट्री इज जस्ट अ वार्डरोब। इफ यू डोंट लाइक इट, चेंज द क्लोथ्स एंड वेयर अ न्यू स्टाइल। इतिहास को इतना सब्जेक्टिवली अप्रोच करने का मूल कारण बहुत डीप है। दरअसल
History is always used by the Hindutva forces as a tool for waging contemporary political battles to justify current campaigns of theirs. ऐसे भी कई reputed historians के opinion में history has often been used as a slave by them. भारतीय इतिहास को एक अरसे से communalized periods में देखा गया है, बांट दिया गया है. पहले golden Hindu period, फिर उसके बाद मुस्लिम गुलामी का काल और फाइनली जाके ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कॉन्स्टेंटली 1200 साल की गुलामी उसको एक इलेक्टोरल मंत्र बना के रख दिया है. एक तरह से हमेशा उनका पंच लाइन रहा है. योगी आदित्यनाथ के डिसीशन और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुगल्स हमारे इतिहास में ऑप्रेसर्स थे. राष्ट्रीय डेवलपमेंट में उनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं था. नॉट जस्ट आदित्यनाथ बट द एंटायर इंडियन राइट विंग कंसिडर्स हिस्ट्री एज लिटिल बट अ नैरेटिव ऑफ एम्परर्स एंड किंग्स. कोई नहीं देखता कि चाहे बादशाह मुसलमान रहे हों कई रीजन्स में, लेकिन रूलिंग क्लासेस प्रीडोमिनेंटली हिंदू होते थे. एम्परर्स के लोकल मिलिट्री एलाइज भी हिंदू राजा या वहां के चीफटेंस होते थे. एक्चुअली एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी वर देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. धार्मिक प्रचार या फिर रिलीजियस हेजेमनी एस्टैब्लिश करना इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती. मिडिवल इंडिया को अक्सर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एजेंडे से गोल्डन एज फॉर ऑल मुस्लिम्स कहा जाता है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा पहलू द डार्क एजेस फॉर द हिंदूज ऑफ द कंट्री. ये सही डिस्क्रिप्शन नहीं है. फोर्स्ड कन्वर्जन्स कॉमन फिनोमिनन नहीं थे, सर्टनली स्टेट ड्रिवन प्रोजेक्ट तो नहीं ही था. रिलीजियस कन्वर्जन्स के पीछे डीपर सोशल कारण थे, हिंदू समाज का हायरार्किकल स्ट्रक्चर और उसके डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स. योगी आदित्यनाथ का आगरा म्यूजियम रिलेटेड फैसले के ठीक पहले कुछ डेवलपमेंट्स बहुत उल्लेखनीय हैं. अयोध्या में तो राम मंदिर का काम अब शुरू हो गया है, परंतु अगर किसी को लगा हो कि ये मंदिर निर्माण का काम का मतलब होगा कि संघ परिवार का टेम्पल्स इन प्लेस ऑफ मॉस्क का जो प्रोजेक्ट है उसका ये फुल स्टॉप होगा, तो वो गलत समझे थे. कहा जाता था ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है. हालांकि इन दोनों मुद्दों को अभी तक संघ परिवार ने फॉर्मली नहीं उठाया या एडॉप्ट किया है, लेकिन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी. आज के डेली राउंडअप में इतना ही. ऐसे खबरों के बारे में और जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट newsclick.in और फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज. देखते रहिए NewsClick.